अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जनाब, आज की वीडियो के लिए आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ गर्ल्स के लिए है बल्कि बॉयज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस वजह से क्योंकि काशीज के दो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी काफ़ी जो है ना वो डिमांड भी है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो ये चीज़ शेयर कर लूँ। एंड आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को रिव्यू कर रही हूँ। हो सकता है और भी हों जिन्होंने ये रिव्यू किया हो इन प्रोडक्ट्स का, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी का। सो जनाब, बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते और जो है ना हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रोडक्ट मेरे पास काशीज़ का पड़ा हुआ है वो है काशीज़ का शाइन सेटिंग स्प्रे। ठीक है, इसमें उसके पास तकरीबन तीन वेरिएंट आते हैं। गोल्ड में आता है और आई थिंक गोल्ड लाइक चैम्पियन कलर में और भी किसी कलर में है। और मेरे पास ये है जनाब 03 शेड, 03 शेड है। और इसका जो जनाब कर लें 100 ml की ये बॉटल है। ठीक है, आप मेकअप के बाद जो मेकअप फिक्सिंग स्प्रे होता है ये वो बेस्ट है। और काशीज़ जो है वो ये वाला स्प्रे ज़्यादातर यूज़ करते हैं ब्राइड्स की जो होती हैं ना, ये नेक बोन होती है जिनको ब्यूटी बोन्स भी बोलते हैं, तो उन पे यूज़ करते हैं। इतना खूबसूरत ग्लो आता है और ये मुझे इतना पसंद आया तो मैंने इसका जो है ना ये शेड बाय किया है। दिस इज़ द 03 शेड। और अगर आप इसको देखो तो इसके नीचे जो है ना ये एक शाइन सी कोई पाउडर टाइप बैठा हुआ है। अच्छा, आप इसको टू वे में यूज़ कर सकते हैं। ये अभी तो मतलब मैंने इसको शेक किया है। ठीक है, तो जिनको शाइनी सा जो है इफेक्ट चाहिए तो इसको आप शेक कर लो, अदरवाइज जिनको सटल सा मतलब विदाउट शाइनी चाहिए तो ये सारा प्रोडक्ट नीचे बैठ जाता और हाल ही जो है ना वो इसका पानी रह जाता, तो आप उस तरह से भी यूज़ कर लो। दोनों तरह से इजी है। ठीक है, मेरे पास इसका जो शेड है वो 03 है। प्लीज़ 12 मंथ इसकी जो है वो इसकी शेल्फ लाइफ है। और यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं एक्वा वाटर, मिथाइल प्रोपेन, एंड ये सारे के सारे जो हैं ये अच्छे हैं। शुक्र करें इसमें पैराबिन नहीं है, ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट जिनमें मेकअप के जिनमें पैराबिन नहीं होता वो समझें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पैराबिन स्किन के लिए जो है वो ख़तरनाक होता है। उसके बाद वो प्रोडक्ट्स जिनमें हेलोरॉनिक एसिड होता है वो आपके लिए बहुत अच्छा। और इसमें हेलोरॉनेट, सोडियम हेलोरॉनेट है, यानी कि इसमें फिर विटामिन ई है विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर स्किन। ठीक है, तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। काशीज़ के जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं उनमें जो है ना कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो मैंने फ़िलहाल ही उनका ये लिया है। मैं इसको आपको टेस्ट कर देती हूँ। इसका आपने ये देखें एक स्प्रे डाला, ये इसका शेड है। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। इतना खूबसूरत ये शाइन देता है, मतलब धूलों को लगा हुआ ना ये, यार कमाल लगता है। ये देख लो आप, ये इसको आप ब्लेंड कर लो। फेस पे लगाना चाहो फेस पे लगा लो, और वैसे वो इस जो है ना वो इस अपनी ब्राइड्स की ना ब्यूटी बोन्स पे यूज़ करता है, मतलब हाइलाइटेड पॉइंट्स पे, तो वहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल करेगा। फेस पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये है बगैर, ये है लाइट के साथ, मैं आपको विदाउट लाइट भी दिखाती हूँ। ये जी विदाउट लाइट, आप लोग ये इसकी शाइन देख लो। ये मैंने लाइट फ्लैश ऑफ कर दी है कैम की। ठीक है, ये देख लो आप लोग, और बड़ी खूबसूरती से ये जो है ना वो ब्लेंड हो गया। ये देख लें, ये विदाउट लाइट है, बहुत सटल सा जो है ना वो ग्लो प्रोवाइड करता है। यू कैन सी दैट, ये देख लें आप लोग। ठीक है, तो ये उनका प्रोडक्ट मेरा फेवरेट है। अब उनका जो है वो मैट भी आ गया हुआ है सेटिंग स्प्रे, तो जो मैट लुक चाहते हैं वो मैट पसंद कर लें आप। आई लव ग्लॉसी लुक, सो मैंने ये उनका ग्लॉसी में जो है ना वो परचेज़ किया है। आई लव दिस। उसके बाद शो स्टॉपर प्रोडक्ट आज का, जिसके बारे में मुझे एक तो मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा रिसीव हुए थे, काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि मैम आप इस प्रोडक्ट को रिव्यू करें, उसको टेस्ट करें। सो फाइनली आई गॉट दिस हैंड ऑन दिस। ये है जी काशीज़ का ग्लास हेयर ट्रीटमेंट स्प्रे। ठीक है, और ये इसकी पैकेजिंग है इस तरह से। मैंने इसको यूज़ किया है, टेस्ट किया है। बैग पे इसकी लिखी है एक्सपायरी 2023। ठीक है, 2020 में ये मैन्युफैक्चर हुआ, दो साल बाद एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है, ये इनका बार कोड है, और यहाँ पर इनका यूज़ बताया हुआ है। मिक्स सम ड्रॉप्स ऑफ हेयर सीरम इन स्ट्रेट लोशन और न्यूट्रलाइजर टू मेक हेयर मोर सॉफ्ट एंड शाइनिंग। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इसको यूज़ आपने इस तरह से करना है कि कुछ जो हैं वो हेयर सीरम के ड्रॉप्स आपने जो है ना वो मिक्स करने हैं
इन स्ट्रेट लोशन और न्यूट्रलाइजर टू मेक हेयर मोर सॉफ्ट एंड शाइनी। वैसे मैंने इसको डायरेक्ट यूज़ किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसमें कोई हेयर सीरम जो है वो यूज़ नहीं किया। मैंने इसको जब भी यूज़ किया है वो डायरेक्ट यूज़ किया और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। और ये मल्टी टास्किंग है, मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। अंदर से ये हसीन तरीन बॉटल आपको मिलती है, ये देखें आप लोग, 100 ml का ये प्रोडक्ट है। और आप लोग देख सकते हो मैं कैसे दिखाऊँ आप लोगों को, ये यहाँ तक है, मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है, ये यहाँ तक हो चुका है, ये देख लो होंगे आप लोग इसकी, ये यहाँ तक मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। अच्छा, जिन लड़के और लड़कियों के, मैंने कहा था कि ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वीडियो है, जिन लड़के और लड़कियों के बाल बहुत ड्राई हैं, बहुत फ्रिजी हेयर्स हैं, लाइक कंघी करने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत मसला बनता है, उनके लिए ये प्रोडक्ट किसी नेमत से कम नहीं है। और मज़े की बात यह है कि इसके इंग्रेडिएंट्स में मैंने जब देखा है तो वो सारे के सारे बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। आप लोग देखिए अंदर रोज़ भी हैं, इसमें इनके 4 वेरिएंट्स आए हैं, मैंने पता नहीं इनका कौन सा बाय किया है, लेकिन उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे फ्लावर्स मतलब डिफरेंट फ्लावर्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये वाला जो है वो रोज़ है। सेंट की अगर बात करें तो इसकी सेंट इतनी मज़े की है, मतलब जैसे परफ्यूम की नहीं होती, हल्की सी परफ्यूम की होती है लाइट सी, इतनी रिफ्रेशिंग और मज़े की इसकी जो है ना वो फ्रेग्रेंस है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, अमेजिंग है, ठीक है। तो मैंने इसका जो है ना वो लाइव टेस्ट किया है, मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है उसके बाल थोड़े से फ्रिजी से हैं, तो मैंने उसके बालों पे ये स्प्रे लगा के टेस्ट किया, उसका क्लिप मैं वीडियो के एंड पे डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा कि बाल पहले कैसे थे और यूज़ करने के बाद कैसे हो गए हुए हैं, ठीक है। अब एक तो ये उन लोगों के लिए हो गए जिनके बाल बहुत फ्रिजी हैं, बहुत ड्राई हैं, वो नहाने के बाद इसका 1 से 2 स्प्रे अपने बालों में करें और कंघी करें। यकीन करें आप सब लोग मुझे दुआएँ देंगे, आप कहेंगे कि आप ही ने हमें ऐसा प्रोडक्ट बताया जो कि अमेजिंग है और बाएंगे। उसके बाद जनाब अच्छा, आप जो लड़कियां डेली बेसिस पे अपने बालों को आयरन करती हैं, ठीक है, एक तो मैं मना करूंगी कि वो काइंडली मत करें अपने बालों को आयरन, कर्लिंग डेली बेसिस पे मत करें क्योंकि वो बालों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। लेकिन अगर फिर भी वो मतलब एडिक्टेड हैं या वो करना चाहती हैं तो फिर उनको चाहिए कि वो आयरन करने से पहले, कर्ल करने से पहले अपने बालों पर इसका स्प्रे कर लें। ये जी हाँ, ये आपको हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे का काम भी देता है और बहुत अच्छे से देता है। आयरन की, स्ट्रेटनर की, आयरन की जो हीट होती है वो डायरेक्ट आपके बालों पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी, ये एज अ प्रोटेक्टिव प्रोटीन लेयर आपके बालों पे बना देगा जिससे आपके बाल हीट से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। बेस्ट प्रोडक्ट एवर, मैंने इससे अच्छा अभी तक प्रोडक्ट नहीं देखा और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, टेस्ट किया हुआ है। आप लोग वीडियो के एंड में भी लाइव रिज़ल्ट देखोगे और ये यूट्यूब पर पहली बार लाइव रिज़ल्ट हो रहा है काशिश के ग्लास हेयर ट्रीटमेंट स्प्रे को लेके। सो बहुत बेस्ट है, मर्द ख़वातीन, छोटे हैं, बच्चे हैं, जो हैं जवान हैं, मिडल एज के हैं, ज़यीफ़ हैं, वॉट एवर एज, ये सब के लिए बेस्ट का बेस्ट है क्योंकि ये टेस्टिफाइड है। मैंने इसको पर्सनल यूज़ किया है दोनों को, इसलिए मैं रिव्यू कर रही हूँ। विदाउट टेस्ट किए मैं कभी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करती क्योंकि फिर वो आपको मैं बता नहीं सकती कि वो किस तरह से चीज़ें हैं। सो ये बेस्ट हैं, मेरी तरफ से ये दोनों प्रोडक्ट 100% रिकमेंडेड हैं, स्पेशली जो लड़कियां यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, स्पेशली जिनके पार्लर्स हैं, आप लोगों ने दुल्हनों के हेयर स्टाइल बनाने होते हैं तो आप लोग ये वाला स्प्रे यूज़ करो उनके बालों पर ताकि उनके बालों को नुकसान भी ना पहुँचे और एक जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म का जो है ना उनको टेक्स्चर मिले। ये लगाने के बाद बाल इतने स्मूथ और सॉफ्ट हो जाते हैं कि आपकी सोच है, मतलब ऐसा लगता है जैसे रेशम है, बाल नहीं रेशम है। दूसरा, इसका जो टेक्सचर है वो नॉन ऑयली है, नॉन ग्रीसी है, मतलब ये ऑयली नहीं है, ग्रीसी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे पानी आप लगा रहे हो। लगाने के बाद आपके बालों से इतनी खूबसूरत स्मेल आती है, इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आती है कि आप लोग मतलब ऐसा लगता है जैसे पता नहीं आपने क्या कोई बड़ा कोई हाई एंड आपने कंडीशनर यूज़ किया हुआ है। बेस्ट प्रोडक्ट है, 100 नहीं 1000 टाइम रिकमेंड कर रही हूँ मैं इसको। मैंने किसी भी प्रोडक्ट पे इतना एम्फोसिस नहीं किया, हालांकि जो अच्छे होते हैं मैं वो रिकमेंड करती हूँ आपको, लेकिन ये प्रोडक्ट इसके बगैर आई डोंट थिंक के रहा जा सकता है, ये इतनी कोई कमाल की चीज़ है। तो और दूसरी सबसे अच्छी बात ये आपके बालों को ये शाइन प्रोवाइड करता है। जो जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं, रफ़ हैं, स्प्लिट एंड्स हैं, वो ये लगाएं, आपके बालों में इतनी शाइन आ जाएगी कि आप लोग जो है ना खुद हैरान हो जाओगे। और ये जितनी मैंने इसकी तारीफ़ें की हैं और एक
ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैंने खुद ख़रीदे हैं ये प्रोडक्ट्स और इनको टेस्ट किया है। और मैं जितनी जो बातें मैं इसके बारे में आपको अभी तक बता चुकी हूँ, आप लोग वीडियो के एंड पे जब लाइव रिज़ल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट वाकई में 100% वर्थ पाएंगे। सो गर्ल्स एंड बॉयज़, आप लोग जल्दी से इसको बाय कर लो विदाउट एनी डिले। प्राइस की अगर बात की जाए तो काशिस का जो है वो शाइन सेटिंग स्प्रे है 1500 रुपये का, ठीक है, इसकी 1500 प्राइस है, और ये है 2000 रुपीज़ में, 2000 में आपको, आई नो थोड़ा सा लिटिल बिट एक्सपेंसिव है, लेकिन वर्थ बाइंग, वर्थ 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 बाइंग। आपको ख़रीदने के बाद, यूज़ करने के बाद आपको होगा कि अच्छी जगह पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। सो आप लोग ये बाई कर लो। 100 ml इसका भी प्रोडक्ट आपको मिलेगा, इसमें भी 100 ml मिलेगा। सो बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं मेरी तरफ से, और ये आप लोग ज़रूर बाय करो। ये आपकी, ये लड़कियाँ जो ग्लॉसी लुक चाहती हैं मेरे लिए या अपनी ब्यूटी बोन्स को हाईलाइट करना चाह रही हैं तो वो ये बाय कर लें। अगर कोई मैट इफेक्ट में जाना चाहता है तो उनका मैट जो है वो सेटिंग स्प्रे है वो बाय कर लो। मेरे पास ये शाइन है, तो मैंने इसको भी लगाने का तरीका बताया कि जब ये मतलब प्रोडक्ट नीचे बैठ जाता है तो ऊपर से बिल्कुल ना ऐसे मतलब नॉर्मल हो जाता है, तो आप उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो जिनको मैट लुक चाहिए। ये प्रोडक्ट तो यार ले लो आप लोग, बेस्ट है, मैं फिर कह रही हूँ कि 1000 times रिकमेंडेड है। और आज की वीडियो यहीं तक थी, प्राइसेस मैं बता चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जो मैंने बाय किया जहाँ से। और उसके बाद जो है वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं क्लिप शेयर करने लगी हूँ जहाँ पे इस प्रोडक्ट को टेस्ट किया हुआ है मैंने लाइव, ताकि आप लोग ये ना कहो कि शायद अब तारीफ़ें कर रही हैं या काशीज़ ने मुझे स्पॉन्सर्ड किया। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, जो अच्छी चीज़ है, बेस्ट चीज़ है, वही रिकमेंड कर रही हूँ। सो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप लोग इसको बाय करो, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और आप लोग दुआ दोगे मुझे। और वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा, लाइव क्लिप आप लोगों के लिए मैंने ऐड किया है। मुझे दें इजाज़त, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक अपना बेहद ख्याल रखें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर किए और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।